दोस्तों आजकल जमाना है डिजिटल पेमेंट का। जी हाँ, और जब भी डिजिटल पेमेंट के बारे में बात आती है तो दिमाग में आती है कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड, जिसको लेकर आज भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि आखिर एटीएम कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन तीनों कार्डों के बारे में और ये समझाऊंगा कि ये तीनों कार्ड एक दूसरे से कैसे अलग है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं डिकेड टेक। तो चलिए जानते हैं इन तीनों कार्डों के बारे में। देखिए दोस्तों, बात करते हैं डिजिटल पेमेंट के बारे में। तो डिजिटल पेमेंट को लेकर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेकर आप में से बहुत लोग को पता होगा, पर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी कंफ्यूजन आती है। और खास करके बहुत सारे लोग तो एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड को एक ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपस में तीनों चीज एक दूसरे से अलग है। तो मैं इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। और अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन पे अपना सब्सक्राइब कर ले। अगर बात करते हैं सबसे पहले एटीएम कार्ड के बारे में, तो यह एक ऐसा कार्ड होता है, इस पे ना ही किसी टाइप का लोगो यानी वीजा या बात करूँ रुपए या बात करूँ आपको मास्टर कार्ड का, यहाँ पे किसी भी टाइप का इसमें लोगो नहीं होता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ आप एटीएम से कैश को विड्रॉ करने के रूप में कर सकते हैं, जो कि आपके अकाउंट से लिंक होता है। मीन्स कि आपके अकाउंट में जितने रुपए है आप से उतने का ही यूज कर सकते हैं। आप बैंक से किसी भी टाइप का उधार नहीं मांग सकते हैं और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम लोग एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए ही कर सकते हैं। ये और किसी भी टाइप के मशीन पे काम करने वाला नहीं है, चाहे मैं बात करूँ स्वाइप मशीन के बारे में, यहाँ भी ये काम करेगा नहीं। और ना ही इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी टाइप के पेमेंट के रूप में भी नहीं कर सकते। इसका सिर्फ और सिर्फ यूज हम लोग कर सकते हैं एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए, इसके अलावा इसका कोई भी यूज नहीं होता है। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे डेबिट कार्ड की, तो ये दिखने में हूबहू एटीएम कार्ड के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें अंतर यह आता है, इसमें सामने की तरफ वीजा, मास्टरो या रुपए का यहाँ पे कोई ना कोई एक लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी खास बात क्या है, इसमें फैसिलिटी ये है कि आप इसका इस्तेमाल एटीएम से कैश विड्रॉल के साथ साथ कर सकते हैं और बाकी अन्य चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे मैं बात करूँ ऑनलाइन पेमेंट के बारे में या स्वाइप मशीन के बारे में या किसी भी टाइप के बारे में, तो इसका इस्तेमाल हम लोग वहां भी कर सकते हैं या शॉपिंग में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि ऐसे मर्चेंट जो रुपए या वीजा या मास्टर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं उसमें डेबिट कार्ड का यूज होता है और इसके थ्रू हम लोग किसी भी टाइप की पेमेंट को आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक कॉमन बात याद देखने को है डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड में कि ये आपका डेबिट कार्ड भी अकाउंट से लिंक होता है और जितना पैसा आपके अकाउंट में उतना का ही आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी आप किसी भी प्रकार का बैंक से कोई भी उधार नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे जितना पैसा आपके अकाउंट में उतने पैसा का यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें बस यही खासियत है कि आप एटीएम से कैश विड्रॉल के साथ अन्य प्रकार के किसी भी टाइप के पेमेंट को इजीली इसके द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर पे क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो क्रेडिट कार्ड भी देखने में हूबहू डेबिट कार्ड की तरह ही होता है। इसमें भी सामने की तरफ आपको मास्टरो या रुपए या वीजा कार्ड के लोगो लगी हुई रहती है, लेकिन ये डिफरेंट कैसे होता है, इसका इस्तेमाल भी हम लोग किसी भी टाइप के ऑनलाइन पेमेंट या शॉपिंग के रूप में कर सकते हैं। लेकिन ये अंतर कैसे होता है, इसमें होता क्या है कि इसमें हम लोग बैंक से उधार लेते हैं और हम लोग शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करने के बाद जो भी पेमेंट होती है वो पेमेंट हम लोग बैंक को चुकाते हैं। इसमें हम लोग एटीएम से कैश को विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट से लिंक नहीं होता। ये तो नॉर्मल बैंक से मैंने पेमेंट लिया और वो पेमेंट का मैंने उधार के रूप में मैंने कहीं पे शॉपिंग कर लिया, फिर उसके बाद जो बिल आया वो मैं बिल पेमेंट को कर देता हूँ बैंक को। इसमें क्या होती है, इसमें कुछ लिमिट होती है, मंथली लिमिट जो बैंक के द्वारा डिसाइड की जाती है कि आपकी आखिर मंथली की स्पेंड लिमिट क्या होगी। उस स्पेंड लिमिट के अनुसार हम लोग काम करते हैं और सपोज अगर जो भी टाइम बैंक के द्वारा डिसाइड की जाती है कि इस टाइम के अंदर मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल देना है बैंक को, अगर वो मैं नहीं दे सकता तो बैंक के द्वारा इंटरेस्ट चार्ज की जाती है, जो हमारे नॉर्मल पेमेंट पे इंटरेस्ट जोड़कर बाकी वो पेमेंट हमको दिया जाता है। इसका इस्तेमाल हम
लोग ऑनलाइन पेमेंट, स्वाइपिंग मशीन या किसी भी टाइप के डीलिंग के लिए कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है और इन तीनों चीज़ों का क्या यूज होता है। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा डेडिकेटेड वीडियो बना के कि रुपए कार्ड, वीजा कार्ड और माइस्ट्रो कार्ड है क्या और ये कैसे काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बने रहे हमारे अपने यूट्यूब चैनल टिकेन टेक के साथ। थैंक यू सो मच।